मैं अली अब्बास जाफरी, अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी से। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो मिक्सचर में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी प्रपोर्शन में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर, ये एक सिंपल सी डिफिनीशन है। मिक्सचर में क्या होता है, इसकी कोई सेट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर लेते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से अब इनकी जो प्रीपोजिशन होती है, सॉरी कंपोजिशन होता है, वो रिटेन कर लेते हैं। क्लियर। अब एग्जांपल इन्होंने दिया है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको बताना है आपको। एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, थ्रू आउट नहीं मिक्स हो पाते हैं, ठीक है। बहुत सा एग्जांपल आपने देखा होगा, ऐसे मान लीजिए होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा एक मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, या शुगर को वाटर में डाल देंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आपने सुना होगा कि जैसे मान लिया कि सैंड में वाटर डाल दिया या केरोसिन में पेट्रोल डाल दिया, तो ये हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो मिक्सचर होते हैं वो मिक्स नहीं होते थ्रू आउट। क्लियर। अब इसमें हमने एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको ईजीली लर्न हो जाए। जैसे मान लिया दो सॉलिड है, एक में होमोजीनियस होगा और एक में हेट्रोजीनियस होगा। इसमें ओलाई हमने लिया है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ब्रास और ब्रोंज, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा। नीचे वाला क्या है, हेट्रोजीनियस है, आयरन और सल्फर, ठीक है। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, एक सॉलिड और लिक्विड को करेंगे तो उसमें क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, नमक और पानी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, और सैंड एंड वाटर क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल दिए, तो आपको यही मेंशन करना है, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है टू लिक्विड, उसमें आपको देखना है वाटर के साथ एथिल अल्कोहल है जो मिक्सिबल है। मिक्सिबल का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके से लिक्विड होते हैं, एक मिक्सिबल होता है, एक इमिक्सिबल होता है, ठीक है। मिक्सिबल यानी कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, इमिक्सिबल का मतलब यानी ना मिक्स हो, ठीक है। अब हमारा जैसे मान लिया कि ये हो गया क्लियर। अब जैसे गैसेस हैं, गैसेस के बारे में आपको मालूम ही होगा, डिफ्यूज हो जाती है गैसेस, एक दूसरी गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है, क्लियर। जैसे हम स्प्रे छिड़क दें तो वो अब एयर में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एयर में भी बहुत सी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सी गैसेज हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का, जैसे मान लीजिए कि एयर में बहुत सी गैसेज होती हैं, तो ये हमारा मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं होता है, सेट प्रपोर्शन नहीं होता है, क्लियर। जैसे मिल्क में जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन्स है, ठीक है, वाटर है, तो इसका कोई सेट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होता है।